नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र एंड आप देख रहे हैं अप्रेंटिस साला यूट्यूब चैनल। एक दो दिन पहले मैंने WCR जो जबलपुर की हेडक्वार्टर की अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए वहाँ पर जो कॉल लेटर से वो जारी हो चुकी थी। एंड कॉल लेटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट कराना है, एंड कॉल लेटर के साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, जिसके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अधूरा रह सकता है। तो आज की स्टूडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि WCR अप्रेंटिस में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए वहाँ पर जरूरी होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितना आपके लिए पानी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिस रहता है तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली रिजेक्ट या बोल सकते हैं यहाँ पर फेल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड आज की वीडियो एक इन डिटेल्ड वीडियो होने वाली है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट की। यहाँ पर जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है बोल सकते हैं एप्लीकेशन जो लेटर है हमारा WCR में जब हमने अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया था, तो वो एप्लीकेशन की आपके पास जीरोक्स होनी चाहिए। एंड इसकी जीरोक्स वो है आपके पास दो, इसके बोल सकते हैं दो कॉपीज होनी चाहिए एप्लीकेशन के। एंड इसके अलावा हम अगर सेकंड डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो बस हमारा जो 10th का मार्कशीट या बोल सकते हैं सर्टिफिकेट होता है वो हमारे पास होना चाहिए। एंड कुछ स्टेट्स या बोल सकते हैं कुछ जगहों पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइंड होते हैं एक ही सीट पे, तो वो आपको जो भी है आपका 10th में वो सारी चीज़ें वहाँ पर चलने वाली है। तो सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया आपका 10th का सर्टिफिकेट, एंड थर्ड में है आपका 12th का सर्टिफिकेट, एंड फोर्थ में है हमारा आधार कार्ड, एंड फिफ्थ में है या हमारे पास जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो कि अलग अलग बोल सकते हैं जोन में या अलग अलग जो क्या बोल सकते हैं उसको डिवीज़न में वहाँ पर उनका अलग से एक फॉर्मेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको जो WCR जबलपुर की जो अप्रेंटिस का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है उस पर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो यहाँ पर हमारे हो गए, यहाँ पर टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हमारे हो गए। एंड यहाँ पर फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा आधार कार्ड। एंड यहाँ पर 6th नंबर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपकी यहाँ पर दो फोटोस लगने वाली है, दो फोटोस रहेगी आपकी। एंड इसके अलावा आप फोटोस ज़्यादा भी रख सकते हैं। एंड 7th या 8th नंबर के जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास जो पैन कार्ड या बोल सकते हैं बैंक अकाउंट का जो पासबुक है एंड वो होने वाले हैं, एंड उसकी जो जीरोक्स होती है वो होने वाले हैं। एंड कुछ जगहों पे क्या है बैंक अकाउंट वगैरह का जो पासबुक है वो ज्वाइनिंग के टाइम पे लगता है, बट आप अपने साथ रख सकते हैं। कुछ जगहों पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही लगता है, लाइक SCCR ER कुछ जगहों पे इसी टाइम पे लगता है क्योंकि वो साथ में एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस को एक ही साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड यहाँ 8th या बोल सकते हैं 9th, मेरे मुझे तो डॉक्यूमेंट्स के नंबर भी याद नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इतने सारे लगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि इसको नोट डाउन करके रखना बहुत ही ज़्यादा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिस्ट आउट कर दूंगा, मतलब यहाँ पर मैं टाइप करके रख दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर जरूरी हैं ताकि आप उसको एक बार अच्छे से याद कर सकें। तो यहाँ पर 8th या 9th नंबर का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको लगने वाले हैं यहाँ पर ITI का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो। एंड अगर आपका 2 साल या 3 साल का ITI का वो है तो वहाँ पर 2 सेमेस्टर वाइज यहाँ पर मार्कशीट निकलती है, तो सभी के जेरोक्स और ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9th या 10th बोल सकते हैं, मैं तो डॉक्यूमेंट का नंबर याद नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा कैटेगरी या बोल सकते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो होने वाले हैं। अगर आप OBC ST SC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं जिसमें NCL या नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं इसको, तो उससे बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो ऑल इंडिया बोल सकते हैं फॉर्मेट या बोल सकते हैं सेंट्रल फॉर्मेट पे NCL का भी यहाँ पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड इसके अलावा यहाँ पास आपके पास जो निवास या बोल सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पास आपके पास जो पैन कार्ड है जैसा कि मैंने आपको बताया वो होना चाहिए। तो इन जो इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इसके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट किया जाता है। तो इतने सारे आपको जो डॉक्यूमेंट्स, लगभग मैंने 10-11 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के
जो डेट हो उसके 3-4 दिन पहले तक आप अपने पास पूरा अच्छे से उसको कंप्लीट करके रखिए। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब जा रहा है तो आप उसको आप एक बार और चेक करके अपने साथ ले जाइए, ताकि यहाँ पर आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इतने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आज की स्टोरी में बस इतनी ही था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड जिन्होंने WCR में अपना फॉर्म भरा था उन दोस्तों को आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके रख सकें। एंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है WCR के अप्रेंटिस के लिए, वो कैसे आप रेडी करा सकते हो, उसका फॉर्मेट कैसा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं, एंड वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो मिलते हैं।